और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,68,147 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 3,417 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जो राहत की बात है। 15,71,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी देश भर में हो चुका है। तो एक तरफ लगातार आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए, वैक्सीनेशन अभी तक 15,71,00,000 लोगों का हो चुका है। और आज अलग अलग टीकाकरण सेंटर्स पर भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सभी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज ले ली जाए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 407 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को 20,394 नए मामले सामने आ चुके हैं, और ऐसे में राजधानी दिल्ली की भी स्थिति बेहाल होती हुई नजर आ रही है। कोरोना केसेस देखिए किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी फिलहाल लगातार राज्य सरकार की तरफ से यही प्रयास है कि अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए और मरीजों का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द। देश की राजधानी दिल्ली पर कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। रोज आ रहे नए मामलों की बाढ़ और दम तोड़ते मरीज मानो दिल्ली की नियति बन गए हैं। रविवार को भी राजधानी में कोरोना के 20,394 नए मामले सामने आए, जबकि 407 लोगों की मौत हो चुकी है। 407 नई मौतों के साथ ही दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 16,966 हो गई है, जबकि दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 92,290 पहुँच गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 14वें दिन भी राजधानी के हालात में कोई सुधार नहीं था। दिन भर लोगों के साथ साथ अस्पताल भी ऑक्सीजन के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी का दैनिक ऑक्सीजन कोटा 490 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 590 मेट्रिक टन कर दिया है। राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार हो भी रही है। दिल्ली को विदेशी मदद भी मिल रही है। रविवार को फ्रांस सरकार ने ऑक्सीजन जनरेटर और हाई प्रेशर फिलिंग सिस्टम की मदद पहुँचाई। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये आज फ्रांस से नया इक्विपमेंट आया है और ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा। दिस इज़ अ ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग सिस्टम। सो दोनों चीज़ हैं इसमें। ये करीबन हम 22 क्यूबिक मीटर पर घंटे की एक क्षमता है इसकी, जिससे हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने यहाँ ही, क्योंकि आज की डेट में सारा ऑक्सीजन बाहर से आता है। ये हमारी जो कैपेसिटी है करीबन 10 से 15% के करीब ये उसको इंक्रीज कर सकता है। दिल्ली को मिल रही तमाम मदद के बावजूद यहाँ की जरूरत कहीं ज्यादा बड़ी है। लगातार आ रहे नए केस और गंभीर होते मरीजों की बढ़ती संख्या मिल रही मदद पर भारी पड़ रही है। नतीजा, हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस बीच आज से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के 77 सरकारी स्कूलों में टीका लगाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। सभी स्कूलों को नजदीक के अस्पताल से अटैच किया गया है। आज से दिल्ली में 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए दिल्ली की इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है वो हमने आपको बताया। फटाफट आपको ले चलते हैं पटपट जहां पर मेरे सहयोगी हर्षा मौजूद हैं और मनीष सिसोदिया भी वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी हर्षा। जी बिल्कुल, देखिए मलिका मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ पटपरगंज वैक्सीनेशन सेंटर की। सबसे पहले तो मैं आपको लाइन दिखा देती हूँ, क्योंकि आज तमाम जो 77 वैक्सीनेशन सेंटर हैं उस पर युवाओं को वैक्सीन लग रही है। 18 से 44 ईयर्स तक के एज ग्रुप के जितने लोग हैं वो आज वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। पटपरगंज का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पे 5 वैक्सीनेशन बूथ है। खासकर मनीष सिसोदिया इस वक्त पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ वैक्सीनेशन बूथ जिसके अंदर इस वक्त मनीष सिसोदिया मौजूद है। और वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरह से चल रही है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, से युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको कोई डर तो नहीं है, कोई नर्वसनेस तो नहीं है, तमाम चीज़ें यहाँ पर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो इंश्योर करने के लिए मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए मनीष सिसोदिया की, जो इस वक्त वैक्सीनेशन बूथ के अंदर मौजूद है। और लगभग देखिए उनको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को इस वक्त यहाँ पर आए हुए। थोड़ी देर में वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको पटपरगंज वैक्सीनेशन सेंटर से दिखा रहे हैं। लगभग 64 लाख वैक्सीन हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से दिल्ली सरकार ने खरीदी है। 1,34,00,000 वैक्सीन 3 महीने में दिल्ली सरकार को मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो ड्राइव है वो आज से शुरू हो चुकी है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं,
मनीष सिसोदिया सब जो अंदर मौजूद हैं, जो कि अधिकारियों से और जो वैक्सीनेशन बूथ पे जो लोग पूरा इंश्योर कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के, वो इस वक्त किस तरह से वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, लोगों को कन्फ्यूजन है तो उसको किससे सॉर्ट आउट करना है, वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं। सामने आपको मनीष सिसोदिया नज़र आ रहे होंगे, डोजेस कितनी अवेलेबल है सेंटर में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो युवाओं की लाइन है वो जो मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 बूथ हैं, देखिए 5 बूथ हैं और देख रहे होंगे आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि सारे युवा यहाँ पे अपने आधार कार्ड लेके पहुँचे, रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसके साथ ही जो प्रक्रिया उसको फॉलो करते हुए, दो लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये वो सेंटर है पटमरगंज का ईस्ट विनोद नगर जहाँ पे फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तमाम प्रोटोकॉल है कोविड के उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि युवा वैक्सीन लगाने पहुँचे। मैम प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी या ईजी थी, कोई दिक्कत हो रही हो यहाँ तक पहुँचने में? नहीं मैम, ऐसा कुछ। मैम आपके अकॉर्डिंग कितना ज़रूरी है कि हर युवा अब लगवा ले वैक्सीन? मैम जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है मैम कि सब युवा लगवा लेंगे तो दिस चेन ब्रेक होगी, सीवियरिटी दर्द थोड़ा सा कम होगा? बिल्कुल मैम लगवाना चाहिए, इट्स मस्ट नाउ, मतलब बहुत हाल खराब हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हर्षा, देखिए वैक्सीन को लेकर लोग तो जागरूक नजर आ रहे हैं और देखिए लंबी लंबी कतारें ये साफ जाहिर कर रही है कि देखिए बहुत बड़ा हथियार है वैक्सीन जो कि बहुत बड़ा हथियार है कोरोना को मात देने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से टारगेट क्या कुछ सेट किया गया है कि रोज कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, फिलहाल वैक्सीनेशन ड्राइव चुकी यहाँ से शुरू हुई है, रोज कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी इसको लेकर के मनीष सिसोदिया थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन 90 लाख युवाओं को वैक्सीन लगनी है ये दिल्ली सरकार ने आंकड़ा दिया है। 3 महीने में 1,34,00,000 वैक्सीन की डोजेस दिल्ली सरकार के पास पहुंच जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली में बढ़ चढ़ करके हो रहा है, इसीलिए जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो तमाम एहतियात हैं वो भी लोग ले रहे हैं। मैम कितना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के अलावा लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से फॉलो करें, इससे वैक्सीनेशन से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल exactly, बिल्कुल देखिए अर्षा, 100% हमें वो रूल फॉलो करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की इस वक्त मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए क्या अहमियत है। हर्षा आप लगातार वहां बने रहिए, लोगों से भी बात करते रहिए, मनीष सिसोदिया से भी बात करने की कोशिश करिएगा और मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोहर का रुख कर लेते हैं। मनोहर एक तरफ हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो सुकून पहुंचा रही है तस्वीरें, क्योंकि 1 मई को जैसे कहा गया था कि बहुत तेजी से अब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी, इंतजार करना पड़ा था, लेकिन महज 1 दिन के अंदर तस्वीर बिल्कुल बदली हुई हम देख रहे हैं दिल्ली की। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली में अब आज मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल जो नई दिल्ली का ये नवयुग स्कूल है पंडारा पार्क में यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर 2 दिन लेट ही सही लेकिन युवाओं के लिए 18 प्लस से जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं में लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के और लंबी कतार आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ युवा जुटे हैं और जिस तरीके से 45+ के लिए जो जिस तरीके मशक्कत सरकार को करनी पड़ी वैक्सीनेशन लगाने के लिए वैसा यहाँ कहीं नहीं। यहाँ पर जैसे ही जानकारी दी गई कि यहाँ पर सेंटर बनाया गया, यहाँ लंबी कतार युवाओं की लग गई है और बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से यहाँ पर लोग खड़े हैं, लेकिन अभी इस पंडारा पार्क जो स्कूल है नवयुग इसमें बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। चूंकि सूचना ऐसी मिली है कि यहाँ पर NDMC के चेयरमैन आने वाले हैं, उन्हीं के हाथों से शुरुआत करवाई जाएगी, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू, ऐसी जानकारी मिली, लेकिन ऐसे खुलकर स्कूल प्रशासन के आने को तैयार नहीं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में कई युवा जो खड़े हैं उनसे सीधे जुड़ते हैं, अपन बात करते हैं कि कब से आए हुए हैं आप? सर मैं सुबह 9 बजे आया था, मेरा अपॉइंटमेंट 10 से 12 बजे का है और अभी तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइनें लग गई हैं। अगर शुरू हो जाए तो शायद जल्दी हो जाएगा काम। क्या बताया गया आपको कि कब होगा, आपको जानकारी दी? अभी तो कोई जानकारी नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले ये क्यू लगनी शुरू हुई थी तो उसमें लग गए। रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया था? ये कल रात को 8:30 बजे, 8 बजे रजिस्ट्रेशन खुला था, मैंने 8:30 बजे कराया था। सेंटर की जानकारी आपको कैसे मिली, किस तरीके? बस उसमें बहुत सिंपल है, आप पिन कोड डालें जो भी आपके नियरेस्ट है, जैसे 1100003 यहाँ का पिन कोड है, उसके अंदर पंडारा रोड 3 आ रहा है ऑप्शन में, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे,
और 18 प्लस वाले के स्लॉट के अंदर जहां जिन जिन सेंटरों पे आ रही है आप उसमें पिक कर सकते हैं उसे। वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से भ्रम था उसको लेकर के आप युवा हैं, आपका बिल्कुल मनोहर आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। देखिए मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त देखिए पटपड़गंज के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, तमाम स्थिति का जायजा लिया और स्थिति का जायजा लेने के बाद क्या कुछ उनका कहना है सुनिए जरा। एक सेकंड मैं रिटर्न हूँ। पांच सेंटर्स बनाए आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल पांच सेंटर्स बनाए गए हैं, तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्नआउट हो रहे हैं, पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है, मैंने लोगों से भी मिला जाके उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं, अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी, पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख आपने बताया है आंकड़ा, ये कब तक बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि लगातार आप लोग संपर्क में हैं? नहीं, हम लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। सर क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है, हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है और अगर जहाँ से भी जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? क्या कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे। तो आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को जो कि एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े थे, तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। और एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी में 2 दिन और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, अब 6 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू। कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, 2 दिन और बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू को, अब 6 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए स्थिति बेकाबू होती हुई है, जो संक्रमण की चेन है वो ब्रेक नहीं हो पा रही है और ऐसे में अब इस कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में। देखिए लगातार जो राज्य सरकारें हैं वो कड़े कदम उठा रहे हैं, कोरोना की चेन को तोड़ना ही इस वक्त प्राथमिकता बना हुआ है, उसके लिए चाहे वैक्सीनेशन हो या फिर सख्त पाबंदियां हो उनको अख्तियार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में
पहले मंगलवार तक लॉकडाउन था, लेकिन अब दो दिन और के लिए अब कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा और कोशिश यही है कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है उसकी रफ्तार को कम किया जा सके और चेन को तोड़ा जा सके। और सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुमित, देखिए एक तरफ लगातार कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, तो राजस्थान में इस वक्त देखिए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया को हम सुन रहे थे कि जैसे जैसे समय बीतेगा और ज्यादा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। आप जिस जगह मौजूद है वहां की स्थिति क्या कुछ कहती है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ के बगल के स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और वहाँ बाकायदा वैक्सीनेशन जो की प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि वैक्सीनेशन से पहले क्या देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखें हरियाणा में आज से पूर्ण लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखित आदेश जारी किया है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो राज्य और केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस बात को समझ रही है कि देश के हालात फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार लाखों केसेस जो हैं वो रोजाना पूरे देश में आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगाने पर विचार करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है। तो फिलहाल लगातार दिल्ली की अगर बात की जाए या फिर तमाम राज्यों की बात की जाए, हालात जो है फिलहाल अच्छे नहीं है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश की ये भी बात की जाए तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि तीन मई के मध्य रात्रि या उससे पहले तक ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो दिल्ली में सुनिश्चित की जाए। ये आदेश जो है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे जो अहम बातें हैं वो चाहे ऑक्सीजन हो या फिर लॉकडाउन पर विचार करने की बात हो, वो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर सरकारों को आदेश दे चुका है कि लॉकडाउन पर सरकार विचार कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात जो है फिलहाल ठीक नहीं है, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। संज्ञान लेने के बाद और फटकार के बाद ही हमने देखा कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, वो लगातार एक्शन में आती है और कड़े कदम उठाती हुई भी नजर आ रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हर्षा और मनोहर आप हमारे साथ बने रहिए, सुमित हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दे, मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर एक्शन हो रहा है। पुलिस ने शहर में आरोपियों का जुलूस निकाला है, ढोल नगाड़ों के साथ पूरे शहर में पुलिस ने परेड करवाई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सख्ती वहां पर बरती गई है। लॉकडाउन तोड़ा गया था इंदौर में और जो लोग जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए अब उन्हें किस तरीके से पाठ पढ़ाया गया है वो तस्वीरें जरा आप देखिए। पुलिस ने शहर में इन आरोपियों को उठक बैठक उनसे करवाई, पूरे शहर इलाके में उनकी परेड निकाली। ये जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को किस तरीके की सजा यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम देती हुई नजर आई, ताकि अगर इस तरीके से लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा जाता है या बेवजह अपने घरों से बाहर निकलते हैं, संक्रमण फैलाते हुए दिखते हैं, तो फिर इस तरीके से कठोर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो रही है पुलिस की टीम। और इसी तरह से हर बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।